Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will learn and discuss the poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. So in this poem, Rabindranath Tagore has spoke about the future India, कि उन्हें फ्यूचर इंडिया कैसे चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा फ्यूचर वाला इंडिया. ऑल्सो वो बोलना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि इंडिया जो है वो हेवन बन जाए फ्रीडम की एंड एनलाइटमेंट, जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में रहें. इस पोएम का जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, वो है पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में एंड ऑल्सो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के बारे में. बेसिकली पोएट इसमें भगवान से प्रे कर रहे हो रहे हैं कि फ्यूचर में हमारे इंडिया को कैसा बनाया जाए, फ्यूचर में हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए. So let's see the line by line explanation of this poem. Now one more important thing, that this poem was written the time when the Britishers were ruling India, and that time freedom was very important for all the Indians. But freedom, जहाँ freedom आती है वहाँ लोग फिर उस freedom का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं. तो उस time रविंद्रनाथ टैगोर के मन में ऐसा था कि अगर हमारी इंडिया हो तो इंडिया कैसी हो, और इसलिए वो भगवान से प्रे कर रहे हैं. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि जहाँ पर जो माइंड हो, दिमाग हो, जो बुद्धि हो, वो बिना किसी डर के हो. एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, प्राइड से, गर्व से, अगर फियरलेस माहौल हो तो बिना किसी डर के सबका सिर ऊंचा रहे. वेयर नॉलेज इज़ फ्री, लाइक इन इंडिया पीपल शुड गेट फ्री नॉलेज, बिकॉज दैट टाइम इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड गेटिंग नॉलेज वॉज रियली वेरी एक्सपेंसिव एंड इंडियंस वर लिमिटेड इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन. लिटरेसी इलिटरेसी बहुत ही ज़्यादा थी, लिटरेसी बहुत ही कम थी. सो इसलिए नॉलेज हमारे इंडिया में फ्री होना चाहिए. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बिन ब्रोकन, जहाँ पर ऐसी इंडिया में जहाँ पर जो वर्ल्ड है वो ब्रेक नहीं की गई है, उसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया गया है. सो हमारे जो नोबेल प्राइज़ विनर पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने इस पोएम को फर्स्ट ऑफ ऑल नेटिव लैंग्वेज में लिखा था, लेटर ऑन उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखी गई. एंड सी हाउ ही हैज़ पिक्ड अप द वर्ड्स टू राइट इट प्रॉपरली इन इंग्लिश. ही सेज दैट कि हमारी जो सोसाइटी है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड है. फ्रेगमेंट्स यानी कि हम कह सकते हैं अलग अलग कास्ट, अलग अलग स्टेट्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ कलर्स, इन द टर्म्स ऑफ स्टेटस, जिस भी तरीके से हम सोच सकते हैं उस तरीके से इंडिया को फ्रेगमेंट में डिवाइड करके रखा गया है. By narrow domestic walls. अब यहाँ पर वो narrow domestic walls किसको कह रहे हैं, हमारे social thinking को. Domestic यानी कि हमारा अपना ही. So he says where the people can understand, erect with courage, confidence and self dignity without fear, torture and oppression. ऐसा हमारा country होना चाहिए. Where words come out from the depth of truth. जो भी कोई हमारे कंट्री में हो, जो भी कंट्री मेंबर्स हो, वो जो कुछ भी बोले वो ट्रूथ होना चाहिए, ना भी ना किसी तरीके का झूठिया फरेब हो. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर टायरलेस यानी कि बिना थके लोग स्ट्राइव करते रहें एंड उनकी जो कोशिश है वो अपने आर्म्स को परफेक्शन की तरफ लेके जाएं. ये जो लाइन है पर्टिकुलर वो एक पर्सोनिफिकेशन है, जहाँ पर टायरलेस ड्राइविंग को यानी कि बिना थके जो कोशिश है वो अपने हाथों को परफेक्शन की तरफ फैला रही है ताकि हमारी इंडिया परफेक्ट हो जाए. ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर लॉर्ड से प्रे कर रहे हैं. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इन द ड्रेडी डेजर्ट सैंड ऑफ द डेड हैबिट. तो कहते हैं कि ऐसा जगह जहाँ पर जो क्लियर स्ट्रीम है यानी कि जो सत्य है, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, जो प्योर सोल्स हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ की तरफ आगे बढ़ें और ना कि किसी डेड हैबिट में पड़ जाएं, जैसे कि एक डेजर्ट होता है वैसा सूखा इंडिया में ना पड़े कभी, सूखा इन द टर्म्स ऑफ मेंटलिटी ऑफ द पीपल, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट। ऐसा इंडिया जहाँ पर जो माइंड है, जो लोगों का बुद्धि है, जो दिमाग है, वो भगवान उसे दी यहाँ पर रिफ़र किया है लॉर्ड को। ये ओल्ड इंग्लिश में जब भी दी वर्ड लिखा जाता है तो वो किसी सुपीरियर सुप्रीम पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली ज़्यादातर केसेस में भगवान के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि माइंड जो है वो भगवान के थ्रू, मतलब भगवान उसे एवर वाइडनिंग, यानी कि जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ते जाए वैसे वैसे लोगों के दिमाग को खोले ताकि किसी भी तरीके का इनजस्टिस ना हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम लोगों को, लोग एक दूसरे के लिए क्रिएट ना करें। सिर्फ थॉट में नहीं, थॉट यानी कि सिर्फ सोच ही नहीं लोगों की बड़ी हो, बट साथ ही साथ एक्शन भी वैसा हो कि इंडिया जो है वो हैवन ऑफ फ्रीडम बन जाए। माय फादर अगेन रविंद्रनाथ टैगोर लॉर्ड को यानी कि भगवान को कह रहे हैं, लेट माय कंट्री अवेक, वो उनसे प्रे कर रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है वो अवेक हो जाए, जो लोग हैं वो जागरूक हो जाए एंड इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाए। सो इन दिस पोएम किड्स वी कैन से दैट थ्रू आउट द पोएम रविंद्रनाथ टैगोर हैज़ फोकस्ड ऑन फ्रीडम। ही सेज दैट इंडिया शुड बिकम हैवन ऑफ फ्रीडम, इंडिया जो है वो फ्रेगमेंट्स वाली वर्ल्ड से बाहर आ जाए, सारे लोग एक साथ मिलजुल कर पीसफुली रहे और इंडिया को डेवलप करने की, प्रोग्रेस करने की कोशिश अपनी तरफ से करते रहें, जो भी हमारे कंट्री मेंबर्स हैं वो सत्य का साथ दें, ट्रुथ बोलें और अच्छा काम करें, किसी भी तरीके के डोमेस्टिक वॉल्स से यानी कि आपसी झगड़े की वजह से, आपसी डिफरेंस की वजह से, डिफरेंस इन थिंकिंग की वजह से हमारी सोसाइटी फ्रेगमेंट में नहीं डिवाइड हो, टुकड़े हमारी सोसाइटी के नहीं हो। अगर सोसाइटी के टुकड़े नहीं होंगे तो किसी भी तरीके के झगड़े भी नहीं आएंगे, और जब लोग सारे एक साथ मिलजुल कर पीस एंड हार्मनी में रहेंगे तो हमारी इंडिया डेवलप करेगी। कुछ ऐसा थॉट है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। सो दिस वॉज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, आई होप यू लाइक द वीडियो। इस चैप्टर के ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स एंड डिटेल एप्रिसिएशन चैनल पे अपलोडेड है, तो एक बार जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको और भी कौन से एजुकेशनल कंटेंट की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द वीडियोस एट द अर्लीस्ट। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ बेस्ट एजुकेशन क्लासेस फॉर मोर सच वीडियोज़।